नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम कच्चे आम की लौंजी की रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कच्चे आम की लौंजी की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो कच्चे आम लिए हैं, ये वजन में लगभग 400 ग्राम है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो मैंने इसे पानी से वॉश कर लिया और एक कपड़े से इसे पोंछ लिया ताकि इसमें एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए। अब हम इसे चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले मैंने इसे दो पीसेस में कट कर लिया है। जो इसमें अंदर गुठली होती है उसे हम निकाल लेंगे और इसे हम छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लेंगे। तो इसके छोटे छोटे पीसेस कर ले, आप चाहें तो इसके बड़े पीसेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है। वापस से इसी तरह हमें सारी ही कैरियों को चॉप कर लेना है। तो इस तरह से हम गुठली को निकाल देंगे और इसे वापस से चॉप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारी ही कैरियों को चॉप कर लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे सारी कैरियों को। तो कैरियों को रखेंगे हम साइड में। यहाँ पे मैं एक बाउल में 3 छोटी चम्मच मेथी रख लूँगी और 3 छोटी चम्मच सौंफ ले लूँगी। आप चाहें तो इसे आधे घंटे पहले पानी में भिगो सकते हैं। तो मैंने इन्हें पानी में नहीं भिगोया, इसलिए मैं इन्हें बॉईल कर लूँगी। तो गैस पे एक पैन चढ़ा देंगे, उसमें सौंफ और मेथी को डाल देंगे और इसमें हम आधा कप पानी डाल देंगे। हाई फ्लेम पे इसे 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे, जब तक कि सौंफ और मेथी सॉफ्ट ना हो जाए। चला लेंगे इसे एक बार। पानी में उबाल आ गया है, 3 से 4 मिनट तक इसे बॉईल होने देंगे इसी तरह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सौंफ और मेथी अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। तब तक हम एक दूसरा बाउल लेंगे। बाउल में हम सूखे मसाले ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर लिया है, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर ले लेंगे, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ले लेंगे, स्वाद के अनुसार नमक ले लेंगे। अब हम इसमें पानी डाल देंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। चम्मच की हेल्प से इसे घोल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे मसालों को घोल लिया है और सौंफ और मेथी को भी हम एक बाउल में छान लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो वापस से हम गैस ऑन कर देंगे। गैस पे एक पैन चढ़ा देंगे और इसमें 3 चम्मच सरसों का ऑयल डाल देंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें हम आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच सौंफ डाल देंगे इसमें, और इसमें लहसुन डाल देंगे। कुटा हुआ लहसुन है ये, 1 चम्मच डाल देंगे इसको, मिला देंगे और लहसुन का कलर सुनहरा होने तक 1 से 2 मिनट तक इसे कुक होने देंगे। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। ये वही गोल है मसाले का जो हमने अभी पेस्ट बनाया था। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे लगातार चलाते रहेंगे। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, वापस से मिला देंगे और मसालों को अच्छे से पकने देंगे जब तक कि ऑयल को रिलीज ना कर दें। लगातार इसे चलाते रहेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं, और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। तो आप देख सकते हैं मसालों ने ऑयल को रिलीज़ कर दिया है। इससे ज़्यादा मसालों को हमें नहीं पकाना है। अब इस स्टेज पे हम इसमें सौंफ और मेथी को डाल देंगे जिन्हें हमें अभी छान के रखा था। और अगर आपने इसको पहले भिगो रखा है सौंफ और मेथी को, तो आप भिगो ही डाल दें इसमें। मिला देंगे और 1 से 1.5 मिनट तक इसे और कुक कर लेंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से सूख गए हैं, इसमें कोई भी मॉइस्चर पानी नहीं बचा है। अब इस स्टेज पे हम इसमें बारीक चॉप की हुई कैरी डाल देंगे इसमें, मिला देंगे वापस से और मीडियम फ्लेम पे इन्हें कुक होने देंगे। 4 से 5 मिनट लग जाएंगे इसे कुक होने में।
चलाते रहेंगे इसे। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो आप देख सकते हैं कैरी यहाँ पे सॉफ्ट होने लगी है थोड़ी। अब हम लेड लगा देंगे और 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। इसी तरह हम 2 से 3 बार बीच बीच में चेक कर लेंगे इसे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैरी हमारी सॉफ्ट हो गई हैं। वापस से मिला देंगे। इसमें अब मैं इसमें 3 छोटी चम्मच शक्कर डाल दूंगी। अगर आपके पास में गुड़ है तो फिर आप गुड़ डाल दें। कैरी के खट्टेपन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे इसमें 3 छोटी चम्मच शक्कर का यूज़ किया है। वापस से मिला देंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे कैरी हमारी काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच जितना। वापस से मिक्स कर देंगे। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है वरना ये एकदम मिली मिली सी हो जाती है सारी। तो इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे और 1-2 मिनट और इसे चलाते रहेंगे ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए। तो अब हम चलते हैं सर्विंग के प्रोसेस में। तो मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है, सारी सब्ज़ी, सारी ही कच्चे आम की सब्ज़ी को। ये 10 से 15 दिन तक फ्रीज में रखी रहे तो भी ख़राब नहीं होती है। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में किसी और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।